जालंधर के नव निर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू ने केजरीवाल से की मुलाकात, भगवंत मान भी रहे साथ। जी हां, आपको बता दें कि जालंधर से आम आदमी पार्टी के नव निर्वाचित सांसद सुशील कुमार रिंकू ने रविवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी साथ रहे। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में भारी जीत हासिल करने के बाद रिंकू की ये मुलाकात महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने सुशील कुमार को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे अपने गृह क्षेत्र में जनता के कामकाज को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दें। जालंधर लोकसभा को कांग्रेस के गढ़ के रूप में देखा जाता था। पिछले चार बार से यहां कांग्रेस के प्रत्याशियों को जीत मिलती रही है। पिछले साल भगवंत मान की संगरूर सीट गंवाने के बाद इस सीट का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। यही कारण है कि आप नेताओं ने इस सीट के लिए जमकर प्रचार किया और भारी जीत दर्ज की। रिंकू ने अपने निकटतम प्रत्याशी को 58,000 से ज्यादा वोटों से हराया। सांसद सुशील कुमार रिंकू से जब पूछा गया कि आपके पास इन सब कामों को करने के लिए सिर्फ 11 महीने का समय है, क्या 11 महीने में सब कामों को पूरा कर पाएंगे? इस पर रिंकू ने कहा कि वो 11 महीने नहीं बल्कि 5 साल का रोड मैप लेकर चल रहे हैं। वहीं सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के आशीर्वाद से ही उन्हें जालंधर लोकसभा चुनाव में जीत मिल पाई है। आपको बता दें, जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आप उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने 58,691 वोटों से जीत दर्ज की है। इस सीट पर 24 साल से कांग्रेस का कब्जा था। सुशील कुमार रिंकू की लोकसभा उपचुनाव से महज 34 दिन पहले ही आप में एंट्री हुई थी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।